जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं बात कर रहा था फ्लूड प्रॉपर्टी की। बेसिकली पहले वीडियो में मैंने इसके बताया था कि व्हाट इज अ फ्लूड एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड द फ्लूड। एंड द सेकेंड वीडियो में मैंने बात की थी व्हाट इज अ टाइप ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फ्लूड प्रॉपर्टीज एंड इनलिस्टेड एंड डिस्कस वन प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड मास डेंसिटी। इन द थर्ड वीडियो वी डिस्कस द टू प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। इन टूडे टॉपिक वी विल डिस्कस द वन प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी एंड विस्कोसिटी। कंप्रेसिबिलिटी मैंने डिस्कस कर लिया था, कंप्रेसिबिलिटी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब यह है कि किसी भी फ्लूड के सपोज मैं जैसे यहां पे मैं बात करता हूं कि एक मैंने एक कंडीशन ले ली कि आप मान के चलते हैं कि एक बैलून है और इस बैलून पे मैंने प्रेशर इसको दाबा तो ये क्या करेगा, बैलून के वॉल्यूम में पहले वॉल्यूम V था और कुछ देर बाद ये वॉल्यूम चेंज हो गया तो V माइनस dV हो गया। तो ये जो चेंजमेंट आ रहा है, ये जो चेंजमेंट आया किसके कारण आया, इस प्रेशर के लगाने के कारण आया। और अंदर क्या भरा हुआ है, गैस है, और गैस क्या है, एक प्रकार का फ्लूड है, आपको पहले ही बता चुका हूं पहले वीडियो में, जो चीज जो कैपेबल जो सब्सटेंस विच आर कैपेबल टू फ्लो दैट इज कॉल्ड द फ्लूड। अब जब इसके प्रेशर के कारण वॉल्यूम में क्या हुआ, चेंजमेंट आया, वॉल्यूम में जो चेंजमेंट आने के कारण इसमें क्या हुआ, ये फ्लूड कंप्रेस हुआ और यही प्रॉपर्टी क्या हो गया, कंप्रेसिबिलिटी। यही प्रॉपर्टी क्या हो गई, कंप्रेसिबिलिटी। इफ देयर इज अ चेंजमेंट इन अ वॉल्यूम और अ डेंसिटी ऑफ द फ्लूड विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेशर अप्लाइड, द प्रॉपर्टी इज नोन एज द कंप्रेसिबल या द फ्लूड इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूड। आप देखिए इसको दो चीजें से कंप्रेस बैठ गई, ये तो प्रॉपर्टी हो गई कंप्रेसिबल फ्लूड की, लेकिन जब हमने प्रेशर लगाया जरा मेरी बात को सुनिएगा, प्रेशर हमने लगाया और प्रेशर लगाने के साथ उसके वॉल्यूम में चेंजमेंट आया है, तो इस तरह के जो फ्लूड होते हैं दैट फ्लूड इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूड। क्या होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूड। मतलब हमने कहा कि विथ इंक्रीज इन प्रेशर लगाया गया किसी भी सिलेंडर और उसके वॉल्यूम में चेंजमेंट थोड़ा सा भी मिल गया, दैट इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूड। लेकिन कहीं कहीं प्रेशर लगाया गया, प्रेशर अप्लाइड किया गया, प्रेशर तो अप्लाइड किया कहीं बॉडी पे, किसी फ्लूड पे प्रेशर अप्लाइड किया, लेकिन उसके फ्लूड में कोई चेंजमेंट उसके वॉल्यूम में चेंजमेंट नहीं हुआ। इस तरह के जो फ्लूड होते हैं, जब प्रेशर तो अप्लाई किया लेकिन इस तरह के होते हैं, इनकंप्रेसिबल, क्या कहलाते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूड। और इस तरह के फ्लूड आइडियल होते हैं जो इनकंप्रेसिबल हो, जो कंप्रेस ना हो सके, ऐसा तो है नहीं कभी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन होगा। सो ये पॉइंट जो मैं बता रहा था, विथ इंक्रीज इन अ प्रेशर, प्रेशर को आप इंक्रीज करिए डिक्रीज करिए, वेरिएशन इन अ वॉल्यूम ऑफ गैसेज और वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूड, दैट टाइप ऑफ द फ्लूड इज नोन एज कंप्रेसिबल फ्लूड। इफ वेरी स्मॉल चेंज इन अ वॉल्यूम, वेरी स्मॉल चेंज और डेंसिटी ऑफ द फ्लूड विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर अप्लाइड, सच फ्लूड इज कॉल्ड इनकंप्रेसिबल। बहुत भी थोड़ा सा नेग्जिबल दिखाया तो इस तरह का क्या होता है, इनकंप्रेसिबल फ्लूड होता है। नीचे ये एग्जाम्पल है, उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, आज जो मैंने क्लास में आप लोग को डिस्कस भी की थी, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी, वेरी लॉजिक है कि आप विस्कोसिटी को कैसे देखेंगे, तो मैं इसको एक स्टार बना के इसको करता हूं कि व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको पेपर में या कहीं ना कहीं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं श्यानता और इसको एक कहते हैं चिपचिपापन, गाढ़ापन, इसी तरीके का इसको हिंदी वर्ड है। क्या कि कोई भी फ्लूड के ऊपर जब फोर्स लगता है तो वो डिफॉर्मेशन होता है, इसी डिफॉर्मेशन को रोकना विस्कोसिटी कहलाती है। विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूड, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी है फ्लूड की, विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ अ फ्लूड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूड।
ऑफर रेजिस्टेंस, वो ऑफर रेजिस्टेंस करता है टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूड टू द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूड. मतलब एक फ्लूड को दूसरे फ्लूड के ऊपर ऊपर चलने से रोकने का जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी. एग्जांपल से समझिए, मैंने जो क्लास में मैंने कहा था शहद और पानी, शहद भी एक बाल्टी है, पानी भी हमारे पास एक बाल्टी है. पानी को डालिए आपके किसी कंटेनर में, डालिए वो सब जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन आपका शहद उसी कंटेनर में डाला जाए तो वो सब जगह नहीं जा पाएगा, वो इतनी जल्दी फ्लो नहीं कर पाएगा. इसका मतलब मैं कहूं कि उसकी संयंता, उसकी विस्कोसिटी शहद की ज्यादा है और पानी की विस्कोसिटी क्या है कम. क्यों? क्योंकि शहद ज्यादा ऑफर कर रहा है रेजिस्टेंस एक लेयर के ऊपर, अवरोध कर रहा है एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को मूव कराने के लिए, वो अवरोध कर रहा है. तो शहद में ज्यादा अवरोध हो रहा है इसलिए वो नहीं पूरा फ्लो कर पा रहा है. लेकिन पानी में क्या है, पानी में अवरोध कम जनरेट कर पा रहा है इसलिए उसकी विस्कोसिटी कम, वो इजिली फ्लो कर जा रहा है. सो व्हाट इज अ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूड विच ऑफर रेजिस्टेंस. ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों मेरे, विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ अ फ्लूड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूड. कंसिडर टू लेयर, हम दो लेयर की बात करते हैं, एक लेयर है एक इसके ऊपर दूसरी लेयर, उसी में फ्लूड फ्लो करता है. कंसिडर टू लेयर ऑफ फ्लूड एट अ डिस्टेंस डी वाई. हमने मान लिया एक लेयर हमारी ये है और एक लेयर ये है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी वाई है. एंड मूव वन ओवर द अनदर, एक के ऊपर एक चलती है. वेलोसिटी, और किस वेलोसिटी से? एक वाली चलती है यू वेलोसिटी से, दैट इज कॉल्ड यू वेलोसिटी. एक चलती है हमारी यू प्लस डी यू से, क्योंकि यू से चलेगी तो मूव नहीं कर पाएगी, उसको थोड़ा ज्यादा तेजी से चलना पड़ेगा. सो द विस्कोसिटी टुगेदर विद रिलेटिव वेलोसिटी कॉज शियर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन द फ्लूड. और जब ये विरोध करेगी तो कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन, भाई हम तुम्हारा विरोध करेंगे तो उसमें फोर्स जनरेट होगा और उसमें कहीं डिफॉर्मेशन होगा, तो शियर स्ट्रेस जनरेट हुई. सो यू वेलोसिटी डी यू, तो ये जो एक प्रोफाइल निकल के आ रही, जैसे यहां पे उसके ऊपर जाएगी तो यू प्लस टू डी यू जाएगी, और इसी तरीके एक प्रोफाइल जनरेट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल. सो जब विस्कोसिटी के कारण उसका अवरोध किया जाता है तो क्या होता है कि उसमें चेंजमेंट आता है, तो इसमें एक शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, शियर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन द फ्लूड. और इसके अंदर क्या है, एक्टिंग करने लगती है शियर स्ट्रेस, और जो शियर स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई. मतलब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डी यू बटे डी वाई. मतलब उनकी वेलोसिटी और उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल एक चीज हो जाती है डी यू बटे डी वाई. सो ये यहां पे थोड़ा सा चेंजमेंट है, आप लोग कर लीजिएगा. तो टाउ इज डायरेक्टली, ये गलत है, इस तरह नहीं लिखा है. टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डी यू बटे डी वाई. जब ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो जनाब क्या आ जाता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बटे डी वाई, du बटे डी वाई. आप देखिए ये जो म्यू है, दैट म्यू, सॉरी दैट म्यू इज नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी. दैट म्यू इज नोन एज, सॉरी दैट म्यू इज नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी. दैट म्यू इज नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी. तो म्यू इज कॉल्ड, इसको म्यू पढ़ते हैं, इस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज कॉफिशियंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी और ओनली विस्कोसिटी. इसको विस्कोसिटी भी कह सकते हैं और डायनेमिक विस्कोसिटी भी कह सकते हैं. एंड डी यू बटे डी वाई, जो डी यू बटे डी वाई है, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडिएंट. मतलब इस टर्म में म्यू की बात करते हैं तो म्यू इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जरा मैं निकाल रहा हूं, जरा देखिएगा, म्यू इज इक्वल टू वॉट, टाओ बटे, मैं ज्यादा दूसरे पैंक को यूज करता हूं, टाओ इज इक्वल टू डी यू बटे dy, du बटे dy. ये tau क्या है, ये tau है शियर स्ट्रेस. ये कैसे आया, जब हमने एक लेयर को दूसरे एन एडजेसेंट लेयर के ऊपर चलने से रोका, उसके कारण अवरोध के कारण उसमें एक स्ट्रेस डेवलप हुई, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, जिसके कारण उसमें डिफॉर्मेशन आया. और वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो चेंजमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि du से तेजी से चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू dy. इसी को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट. इसका पहला नाम होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसी का दूसरा नाम होता है रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, इसी का नाम होता है शियर डिफॉर्मेशन. सो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट. जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकलता है उसी को कहते हैं हम
विस्कोसिटी या डायनेमिक वेव। व्हाट इज अ यूनिट? यूनिट बड़ा है, यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज पास्कल सेकंड और